what's up everybody, welcome back to this another episode. I know ki video bahut late hai aur iske pehle bhi thode se ho gaya tha idhar udhar, but guys finally we are free aur hum aaj ke is video mein wo auto ke bare mein baat karenge jo main record nahi kar paya aur jis aur aise bhi artwork jo main record kar paya ho. So both of that we are going to show in this video guys. Please watch till the end. If you like this video, give it a big thumbs up, share with the friends, and do whatever you want. Let's start this one. So, हाँ guys, start करते हैं first case से जो कि है Joker का. So आप जैसे कि देख सकते हैं कि background में मैंने water color का use किया और पूरे face में poster plus मैंने pencil color use किया है guys. So हाँ देख सकते हो बढ़िया अच्छे results है. और हाँ गाइस जितने भी मैंने स्केचेस बनाए हैं ना रिलेटेड वाटर रहो या स्केचेस रहो वो मैंने चीप मटेरियल से बनाए. सो एक और स्केचेस है जो जोकर का ही है. सो ये रहा वो स्केच. या देख सकते हो टेक्सचर एकदम सही आया और 3D इफेक्ट ला रहा है गाइस. पर ये वीडियो मैं इसका रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज बट कुछ भी रहो और देख सकते हो आप आई साइड का जो एरिया है उसमें मैंने बहुत माइन्यूट डिटेलिंग वर्क किया है जिससे आपको एकदम प्रिंट आउट जैसा इफेक्ट आ रहा है कि नहीं कमेंट में बताओ मेरे को प्लीज़. और फिर बस इतना ही. उसके बाद फिर अब बात करते हैं रोमन रेंस की जो कि मेरा फेवरेट आर्टवर्क है. इसका वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बेसिकली. इसके पहले भी मैंने एक रोमन रेंस का ड्राइंग बनाया था बट वो भद्दा बना था. इसके लिए मैं सोचा कि थोड़ा इम्प्रूव करते हैं वाटर कलर्स को. अब फाइनली देख सकते हो आप जो टेक्सचर और ये सब आया ये मैंने फुल्ली वाटर कलर से बनाया और रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए. सो या वाटर और मैंने पोस्टर कलर्स का यूज़ किया है. मैंने डेट भी लिखा है ताकि मेरे को याद रहे करके. इम्पोर्टेंट रहता है अगर आप कोई भी स्केचेस बनाते हो तो डेट लिख दिया करो. सो गाइस एक और मैं स्केच दिखाना चाहूँगा जो कि रिलेटेड टू WWE ही और ये मेरा रिसेंट स्केच है और आपने देखा भी रहेगा अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो. सो गाइस फिन बैलर जो कि मेरा रिसेंट स्केच है और जिस तरीके से आप देख सकते हो कि डबल साइडेड बनाया मैंने. एक तरफ डीमन बैलर को बनाया और सेकंड साइड मैंने फिन बैलर को बनाया और रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए. और बस आप अगर अच्छा अगर आप अगर देख देख के करते हो प्रॉपरली एक फ़ोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे. सो यही है बात गाइस कि अगर जो भी आर्टवर्क बनाते हो तो मटेरियल डजंट मैटर. वो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप उसको किस तरीके से लेते हो. सो हाँ अगर आपको ये अच्छा लगता है ये सब देख के तो लाइक ठोक देना प्लीज़. सो गाइस अब बारी आती है स्केचेस की. तो मैंने ये ओल्ड मैन का स्केच ड्रॉ किया है जैसे कि आप देख सकते हो. ये मैंने ड्रॉ किया है 130 GSM पेपर पे और ये ताकि रफ़ पेपर है इसके लिए मैंने ओल्ड मैन का जो फेस का टेक्स्चर था वो थोड़ा रफ था तो इसके लिए मैंने 130 GSM का पेपर यूज़ किया है. तो ब्लेंडिंग भी मैंने अच्छी तरीके से की और गाइस मैंने मोस्टली जो चीज़ें जैसे ब्लेंडिंग स्टंप हो गया और जो रबड़ था मेरा पहला वाला वो मैंने होम मतलब घर पे ही बनाया था. तो अब देख सकते हो कि जुगाड़ लगाया करो अगर आप इंडियन हो तो प्लीज़ कम ऑन. सो बात करते हैं एमिनम का स्केच जो कि ये मेरा फर्स्ट और बहुत अच्छा स्केच था और इसके बाद फिर एवरी मेरा फेवरेट पेपर बन गया. देख सकते हो आप रिजल्ट्स बढ़िया है और बट मेरे जो हैंड पे जो ब्लेंडिंग किया है ना मैंने वो थोड़ा सा उधर मैंने प्रॉपर नहीं किया बट रिजल्ट्स अच्छे आए गाइस. यस अब बात करते हैं प्रभास जो बाहुबली मूवी से मैंने बनाया था. इसमें मैंने पूरा स्मूथ शेडिंग किया है आप देख सकते हो. अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये आई वाला जो एरिया है ना इसमें मैंने बहुत हार्डवर्क पुट किया. और हाँ गाइस ये मैंने बस जितने भी स्केचेस है वो मैंने अप्सरा पेंसिल से बना है और ये आप देख सकते रहोगे ब्रेड और ये अपना जहाँ से खून निकल रहा है वो टेक्सचर भी बहुत अच्छा है. और हेयर्स में मैंने थोड़ा सा प्रॉपर नहीं किया है बट रिजल्ट्स आप देख सकते हो कि कितने बढ़िया आए गाइस. सो जितने भी स्केचेस है वो गाइस अप्सरा की पेंसिल से ही है जो मैंने पहले भी बोला. सो हाँ गाइस अभी ये वाली स्केच की बात करते हैं. सो गाइस इस वाले स्केच में मैंने यूज़ किया है कार्ट्रिज शीट और वो जो स्केच जो देख रहे थे जिसमें मैंने प्रभास के बारे में बात की वो जो स्केच है उसमें मैंने यूज़ किया था आइवरी पेपर. और देख सकते हो कि इसमें रफ़ शेडिंग हो रही है कंपेयर टू आइवरी पेपर वो थोड़ा सा
स्मूथ शेडिंग है, देख सकते हो आप टेक्सचर किस तरीके से बन रहा है इसमें, और इसमें थोड़ा रफ रफ टेक्सचर है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। बट बात करें दोनों पेपर बढ़िया है, बट अब ये डिपेंड करता है आपकी टेक्निक के ऊपर कि गाइस आप किस तरीके से बनाते हो। सो वही बात बोलनी थी। अभी बात करते हैं हम लोग के नेक्स्ट स्केचेस के बारे में, बट उसके पहले गाइस याद रखो, अगर आपको स्केचेस बनवाने हैं और किसी को बेस्ट गिफ्ट देना है तो प्लीज़ कमीशन वर्क बुक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि आपको किस तरीके से बुक करना है, और मैं बहुत चीप प्राइस चार्ज करता हूँ गाइस। सो ये मेरा हाइपर रियलिस्टिक वर्क है, सबसे बेस्ट। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो पहले से तो मैं ऋतिक रोशन के बहुत से स्केचेस बना चुका हूँ, बट ये मेरा फेवरेट स्केच रहा है गाइस। मेक श्योर अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यार फॉलो कर लो, और आप अगर जो भी रिलेटेड ड्राइंग बनाते हो तो प्लीज़ यार मेरे को टैग करो, मेरे को भी देखना है आपकी क्रिएटिविटी। और बस इतने ही इस वीडियो में मैं बोलना चाहूँगा, और गाइस मेक श्योर प्रैक्टिस करते रहो, बी बेटर। यही मेरे स्केचेस थे, अच्छा लगा रहेगा तो लाइक ठोको वापस एक और बार, लास्ट बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सो गाइस मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, बाय बाय, डू प्रैक्टिस।